अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है कैसर नज़ीर और आप देख रहे हैं अपना घर पंजाब। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीटी रोड डुमेली मोड़। ज़िला जेहलम का ये खूबसूरत तरीन इलाका है। नाज़रीन, डुमेली का मतलब है दो चीज़ों का आपस में मिलना। यहाँ पर दो छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले आपस में मिलते हैं, यहाँ पर दो पानी की खूबसूरत नहरें आपस में मिलती हैं, यहाँ पर गर्मा गर्म चाय मिलती है, साथ जलेबी और छोटे छोटे चावल के आटे के बने हुए मरसे मिलते हैं। तो आइए चलकर आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीरब है और हम लोग यहाँ पे वैसे घूमने आए हैं और अभी हमने यहाँ जलेबी खाई है, बहुत मज़े की जलेबी है और पकौड़े भी बहुत मज़े के हैं और वो मेरी बहन है। अच्छा, ये बहन है आपकी, माशाल्लाह। अच्छा, आप पहले भी कभी यहाँ पे आई हैं? नहीं, पहली दफ़ा आई हैं। और यहाँ पे जलेबियाँ और पकौड़े खाने के लिए यहाँ पे आए हैं आप? जी यार, घूमने के लिए। अच्छा, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत मज़ा आ रहा है, अभी तो आगे भी जाना है। अच्छा, और जलेबियाँ कैसी हैं यहाँ की? बहुत मज़े की हैं। थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डुमेली मोड़ में और मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा दुकानें सारी की सारी हलवाइयों की है और सारे एक ही गांव के हैं और सारे इसी पेशे से मुंसलिक हैं, सब के सब हलवाई हैं। और यहां पर जो ये जलेबियां और ये छोटे जो मरसे बनाते हैं, ये इनके इतने मशहूर हैं कि दूर दूर से लोग यहां पर खाने के लिए भी आते हैं और साथ अपने अजीज़ रिश्तेदारों के लिए भी लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये सैयद सर है ना? साजिद मामी। तुसा किस जगह तू आए हो? असा आए सवेसु अग्या ग्राए तू आए। अच्छा, स्वागत हो गया। गौरी का मकबरा है उसका। अच्छा, माशाल्लाह। और इस स्पेशल सो इस जगह पे क्यों आए हो? ये चीज किने असले इन्हें बड़ी जलेबी ते पकोड़े मशहूर है, दुआ है कि गरम-गरम होने, फ्रेश होने। अच्छा, ताजा होने। ताजा होने जी। अरे नाइस होनी है, इन्हें जलेबी दुई जगह से डिफरेंट है जी। तो सही जगह से भी ट्राई करी ना, पर इन्हें ये स्पेशलिटी है कि यू नो, एक तो फ्रेश बनाने दुआ, एक अपना एक टेस्ट आए ना, टेस्ट आए ना, तो इस वजह से स्पेशली है सर ना अच्छा है था जलेबी के ना। स्पेशली जलेबी माड़ी जलेबी फेवरेट है पकौड़े में इतना ज्यादा चौकी। अच्छा, इन्होंने मरसे भी बड़े मशहूर है जड़े छोटे छोटे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मसे ही ट्राई किया वाकई, जड़े मरसे भी इन्होंने नाइस होने इन्होंने का। अच्छा, बड़े दूरू लोग कसने और इंग्लैंड वगैरह तक जड़े इथू लोगों ने रिश्तेदार अजीज ठहरे ने उन वास्ते भी उठे खड़ने जी। जी असा बिल्कुल ही गल है, पहले मशहूर है पहले भी आपने ये जलेबियाँ खाई हुई है? जी, पहले एक दो दफा खाई। अच्छा, कैसी लगी थी आपको? अच्छी होती है, मजे की होती है, क्रिस्पी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप पटवारी में बात करेंगे या उर्दू में? नहीं, पटवारी में। अच्छा, चलो पटवारी में गल करने। तुसा ना क्या जी? इलियास अहमद नाम मेरा जनाब। अच्छा इलियास भाई, ये दसो कि तुसा पहली दफ़ा इतने आए हो? जी, बहुत दफ़ा आए हैं जनाब, इतों आके टेस्ट कर जाए पकौड़े और समोसे रसे जनाब, इतों लेकर जाई दिन घर वास्ते भी, आपू भी खाई दिन, बच्चों वास्ते भी और फैमिली वास्ते भी लेकर जाई दिन। जी जी। अच्छा, और भी काफ़ी जगह तो ये चीज़ा मिलनी, पता है हर जगह तो मिलनी साढ़े पंजाब में, तो इतने नहीं कोई खास गल ही है जी तुम इतने इतने हो जी? इन्हों का अच्छा टेस्ट है पकौड़े ने और मरसियाँ जलेबी का जनाब, बहुत अच्छा टेस्ट है और सही फायदार चीज़ है जो बना रहे हैं। सारिया दुकाना ने मशहूर है डुमेली मोड़ मरसे पकौड़े मरसे जनाब। अच्छा, इस काम में ऐसी क्या खास बात है कि पूरे का पूरा गांव एक ही काम करता है? सर, ये हमारे तकरीबन 50-60 साल से मशहूर है जलेबी मरसे पकौड़े करके। अच्छा, तो इस वजह से। अच्छा, सारे यही काम करते हैं। अच्छा, और यहाँ की इसमें जो आप ये जलेबी और पकौड़े और मरसे जो बनाते हैं,
ये इतने दूर दूर से लोग आपके पास क्यों आते हैं इंग्लैंड तक, आपके ये सारी चीजें जाती हैं? जलेबी जो है ना ये बारीक और कड़क होती है, इस वजह से मशहूर है ये। अच्छा, खस्ता है ये? जी खस्ता है। अच्छा, ज्यादा किस जगह पे आपका ये जो सामान जाता है? सारे पे जाएगा, मुर्गा भी जाना है, इतना भी चल रहा है। अच्छा, कश्मीर में भी जाता है? हर साइड पे जा रहा है। अच्छा अच्छा, हर महीने रुकते हैं और यहाँ की जलेबियाँ और अमृतसर लेकर जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टेस्ट है इनका। पूरे पाकिस्तान में इनकी मिठाई और जलेबी और ये चीज़ें जाती हैं। हम हर महीने, बच्चों की बड़ी डिमांड होती है, हमारे सब जितने भी दोस्त हैं उनके बच्चों की, तो हर महीने हम ये लेकर जाते हैं और बड़ा अच्छा टेस्ट है और बच्चे बड़े खुश होते हैं खाकर। एहसान भाई हमारे साथ हैं, ये भी यहाँ पर इनकी दुकान है। एहसान भाई, आप क्या क्या बनाते हैं? ये जलेबी, पकौड़े और अमृतसर। अच्छा अच्छा, आप बताएं कि आपके पास किधर किधर से लोग आते हैं यहाँ पर? बहुत दूर दराज से आते हैं, बिना जेलम, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, हर जगह से आते हैं। अच्छा, हमने सुना है कि ये इंग्लैंड तक ये आपके जाते हैं, बाहर के मुल्क लेके जाते हैं, बाहर तकरीबन तमाम मुल्कों में जाते हैं। अमृतसर की जलेबियों की दुकान है इधर, ये खालस चीज़ें हैं इधर, कोई केमिकल कोई ऐसी चीज़ नहीं इसमें होती है, तो हर चीज़ इधर खालस मिलती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जो इधर चीज़ें लेके जाते हैं, इधर खाते भी हैं, बैठते भी हैं, जगह भी बैठने की है। ये खालस खमीर की होती है, कोई मिलावट नहीं होती इसमें, और ये फूड कलर हम डालते हैं ना, ये फूड 30 से 5 शुदा होता है। ये दुबई होगी, इंग्लैंड होगी, सऊदीया हो गया, इन मुल्कों में लोग पैक करवा के लेके जाते हैं। जमेली मोड़ पे जलेबी खाने के लिए बहुत मज़ेदार है। अच्छा अच्छा, वाह जी, उसके बाद मैं रसे खाऊंगा। अब हमने इन सबसे बात किया तो इनकी जो मशहूरगी की वजह है वो यही है कि ये सारी खालस चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर कोई केमिकल्स या इस तरह की कोई गैर मेयारी चीज़ें नहीं हैं, इसलिए इनका जायका अच्छा है, इसलिए दूर दूर से लोग इनके पास आते हैं और अपने लिए और अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों के लिए लेकर जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मज़ीद इस तरह के पंजाबी रंग देखने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।